तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2022 में रिलीज़ हुई मूवी द नेक्स्ट 365 डेज़ के बारे में। यह मूवी भले ही 2022 में रिलीज़ हुई हो, लेकिन आज तक भी लोग इस मूवी के फ़ैन हैं और इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग द नेक्स्ट 365 डेज़ मूवी को देखना चाहते हैं। सो अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हो, इस मूवी के फ़ैन हो, तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ और मूवी की अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस मूवी की पूरी ही टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने द नेक्स्ट 365 डेज़ मूवी को बनाया है, किन्होंने डायरेक्ट किया है इस मूवी को, किन्होंने लिखा है, कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया है उसके बारे में बात करेंगे, और बात करेंगे इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में और इस मूवी के कैरेक्टर्स के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसके कैरेक्टर को प्ले किया है इस मूवी में। एंड फुल डिटेल में आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है इस मूवी के बारे में। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो। सो आगे हम बात करने सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में। तो द नेक्स्ट 365 डेज मूवी को डायरेक्ट किया है बारबरा बायालोबस ने एंड तोमांस मानदेस ने। स्क्रीन प्ले की बात करें तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है मोत्सा तिर्स ने, ब्लंका लिपिंस्का ने, तोमांस मानदेस ने। प्रोड्यूसर की बात करें तो द नेक्स्ट 365 डेज़ मूवी को प्रोड्यूस किया है एवा लेवांडोव्स्का ने, तोमांस मानदेस ने, मैसियंज काबुल्स्की ने। और एक्ट्रेस की बात करें तो इस मूवी में आपको सबसे पहले लीडिंग रोल में अना मारिया सैकलुका देखने को मिल जाते हैं, उसके आगे माइकल मोरोन देखने को मिल जाते हैं, साइमोन सुसीना देखने को मिल जाते हैं, मागदेलिना लंपार्स्का देखने को मिल जाते हैं, अतार सारा दिज़े भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो इस मूवी में सिनेमाटोग्राफी की है बारतेक कैरलिका ने और इस मूवी को एडिट किया है मार्सिन द्रेव नॉब्स्की ने और म्यूजिक किया है इस मूवी का पैट्रिक कुमार ने और डोमिनिक बुकबोस्की ने और बॉज ताजेक ने। प्रोडक्शन कंपनीज़ की बात करें तो द नेक्स्ट 365 डेज मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं ओपन माइंड वन, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है नेटफ्लिक्स ने। उसके आगे बात करें इस मूवी के अगर हम कंट्री की, तो यह मूवी ओरिजिनल मूवी जे पोलैंड में बनाई गई और इस मूवी का ओरिजिनल लैंग्वेज है जो वो पॉलिश इंग्लिश और इटालियन है। और उसके आगे अगर हम बात करें इस मूवी के कि कौन से एक्टर ने किसके कैरेक्टर को प्ले किया है इस मूवी में, सो सबसे पहले लीडिंग रोल में अना मारिया सैकलुका देखने को मिल जाते हैं, जिन्होंने कि लॉरा बेल के कैरेक्टर को प्ले किया है इस मूवी में। उसके आगे माइकल मोरोन देखने को मिल जाते हैं, जिन्होंने कि डॉन मासिमो तोरेसेली के कैरेक्टर को प्ले किया है। साइमोन सुसीना ने नाचो के कैरेक्टर को प्ले किया है। मागदेलिना लंपार्स्का ने ओल्गा के कैरेक्टर को प्ले किया है। और तार सारल्दीजी ने डोमेनिको के कैरेक्टर को प्ले किया है। एवा कास प्राजिक ने क्लारा बेल के कैरेक्टर को प्ले किया है द नेक्स्ट 365 डेज मूवी में। उसके आगे जॉनर की बात करें तो द नेक्स्ट 365 डेज मूवी एक एरोटिक ड्रामा मूवी है, काफ़ी पसंद आपको आएगी, काफ़ी अच्छा इस मूवी का स्टोरी है और एक्ट्रेस का कमाल का परफॉर्मेंस आप इस मूवी में देख पाओगे। और बारबरा बायालोबस एंड तोमांस मानदेस ने काफ़ी बढ़िया डायरेक्ट भी किया है इस मूवी को, काफ़ी पसंद आपको आएगी। और आपको बता दें कि 365 डेज मूवी एक पूरी मूवी की
सीरीज़ है, फ्रेंचाइजी है, और यह मूवी भी आपको काफ़ी पसंद आएगा। IMDb रेटिंग की बात कर लेते हैं तो द नेक्स्ट 365 डेज़ मूवी को IMDb पर 2.8 out of 10 का रेटिंग मिला है। लगभग 8,700 लोगों ने वोट्स किया है इस मूवी के लिए। और इसके आगे बात करें इस मूवी के बजट की, तो इस ये क्योंकि नेटफ्लिक्स की मूवी है तो इसका जो बजट है वो रिवील नहीं किया गया और ना ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। सो नेटफ्लिक्स पर ही यह मूवी रिलीज़ हुई, ऑफिशियली मूवी है नेटफ्लिक्स की, आप ज़रूर से देख सकते हो। आज का यह मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी के रिव्यूज़, मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें। तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2022 में रिलीज़ हुई मूवी द नेक्स्ट 365 डेज़ के बारे में। यह मूवी भले ही 2022 में रिलीज़ हुई हो लेकिन आज तक भी लोग इस मूवी के फ़ैन हैं और इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग द नेक्स्ट 365 डेज़ मूवी को देखना चाहते हैं। सो अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हो, इस मूवी के फ़ैन हो, तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ और मूवी की अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस मूवी की पूरी ही टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने द नेक्स्ट 365 डेज़ मूवी को बनाया है, किन्होंने डायरेक्ट किया है इस मूवी को, किन्होंने लिखा है, कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया है उसके बारे में बात करेंगे और बात करेंगे इस मूवी के एक्टर्स के बारे में और इस मूवी के कैरेक्टर्स के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसके कैरेक्टर को प्ले किया है इस मूवी में। एंड फुल डिटेल में आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है इस मूवी के बारे में। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो। सो आगे हम बात करने सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में। तो द नेक्स्ट 365 डेज़ मूवी को डायरेक्ट किया है बारबरा बाया लोबस ने एंड तोमांस मानदेस ने। स्क्रीन प्ले की बात करें तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है मोत्सा तिर्स ने, ब्लंका लिपिंस्का ने, तोमांस मानदेस ने। प्रोड्यूसर की बात करें तो द नेक्स्ट 365 डेज़ मूवी को प्रोड्यूस किया है एवा लेवांडोव्स्का ने, तोमांस मानदेस ने, मैसियंज काबुल्सकी ने। और एक्ट्रेस की बात करें तो इस मूवी में आपको सबसे पहले लीडिंग रोल में अना मारिया सैकलुका देखने को मिल जाते हैं, उसके आगे माइकल मोरोन देखने को मिल जाते हैं, साइमोन सुसीना देखने को मिल जाते हैं, मागदेलिना लंपार्स्का देखने को मिल जाते हैं, अतार सारा दिज़े भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो इस मूवी में सिनेमाटोग्राफी की है बारतेक कैरलिका ने और इस मूवी को एडिट किया है मार्सिन द्रेव नॉब्स्की ने और म्यूजिक किया है इस मूवी का पैट्रिक कुमार ने और डोमिनिक बुकबोस्की ने और बॉज ताजेक ने। प्रोडक्शन कंपनीज़ की बात करें तो द नेक्स्ट 365 डेज़ मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं ओपन माइंड वन और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है नेटफ्लिक्स ने। उसके आगे बात करें इस मूवी के अगर हम कंट्री की तो यह मूवी ओरिजिनल मूवी जे पोलैंड में बनाई गई और इस मूवी का ओरिजिनल लैंग्वेज है जो वो पॉलिश इंग्लिश और इटालियन है। और उसके आगे अगर हम बात करें इस मूवी के कि कौन से एक्टर ने किसके कैरेक्टर को प्ले किया है इस मूवी में, सो सबसे पहले लीडिंग रोल में अना मारिया सैकलुका देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने कि लॉरा बेल के कैरेक्टर को प्ले किया है इस मूवी में। उसके आगे माइकल मोरोन देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने कि डॉन मासिमो तोरेसेली के कैरेक्टर को प्ले किया है। साइमोन सुसीना ने नाचो के कैरेक्टर को प्ले किया है। मागदेलिना
लम्पार्स्का ने ओल्गा के करेक्टर को प्ले किया है, और तार सारल्दीजी ने डोमेनिको के करेक्टर को प्ले किया है, एवा कास प्राजिक ने क्लारा बेल के करेक्टर को प्ले किया है द नेक्स्ट 365 डेज़ मूवी में। उसके आगे जॉनर की बात करें तो द नेक्स्ट 365 डेज़ मूवी एक एरोटिक ड्रामा मूवी है, काफ़ी पसंद आपको आएगी, काफ़ी अच्छा इस मूवी का स्टोरी है और एक्ट्रेस का कमाल का परफॉर्मेंस आप इस मूवी में देख पाओगे। और बारबरा बायोलॉबस एंड तोमास्क मेंडेस ने काफ़ी बढ़िया डायरेक्ट भी किया है इस मूवी को, काफ़ी पसंद आपको आएगी। और आपको बता दें कि 365 डेज़ मूवी एक पूरी मूवी की सीरीज़ है, फ्रेंचाइजी है, और यह मूवी भी आपको काफ़ी पसंद आएगा। आईएमडीबी रेटिंग की बात कर लेते हैं तो द नेक्स्ट 365 डेज़ मूवी को आईएमडीबी पर 2.8 out of 10 का रेटिंग मिला है। लगभग 8,700 लोगों ने वोट्स किया है इस मूवी के लिए। और इसके आगे बात करें इस मूवी के बजट की, तो इस ये क्योंकि नेटफ्लिक्स की मूवी है तो इसका जो बजट है वो रिवील नहीं किया गया और ना ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। सो नेटफ्लिक्स पर ही यह मूवी रिलीज़ हुई, ऑफिशियली मूवी है नेटफ्लिक्स की, आप ज़रूर से देख सकते हो। आज का यह मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी के रिव्यूज़, मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें। तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2022 में रिलीज़ हुई मूवी द नेक्स्ट 365 डेज़ के बारे में। यह मूवी भले ही 2022 में रिलीज़ हुई हो लेकिन आज तक भी लोग इस मूवी के फ़ैन हैं और इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग द नेक्स्ट 365 डेज़ मूवी को देखना चाहते हैं। सो अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हो, इस मूवी के फ़ैन हो, तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ और मूवी की अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस मूवी की पूरी ही टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने द नेक्स्ट 365 डेज़ मूवी को बनाया है, किन्होंने डायरेक्ट किया है इस मूवी को, किन्होंने लिखा है, कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया है उसके बारे में बात करेंगे और बात करेंगे इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में और इस मूवी के करैक्टर्स के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसके करैक्टर को प्ले किया है इस मूवी में, एंड फुल डिटेल में आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है इस मूवी के बारे में। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो। सो आगे हम बात करने सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में। तो द नेक्स्ट 365 डेज़ मूवी को डायरेक्ट किया है बारबरा बायोलोबस ने एंड तोमांस मानदेस ने। स्क्रीन प्ले की बात करें तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है मोत्सा तिर्स ने, ब्लंका लिपिंस्का ने, तोमांस मानदेस ने। प्रोड्यूसर की बात करें तो द नेक्स्ट 365 डेज़ मूवी को प्रोड्यूस किया है एवा लेवांडोव्स्का ने, तोमांस मानदेस ने, मैसियंस काबुल्स्की ने। और एक्ट्रेस की बात करें तो इस मूवी में आपको सबसे पहले लीडिंग रोल में अना मारिया सैकलुका देखने को मिल जाते हैं, उसके आगे माइकल मोरोन देखने को मिल जाते हैं, साइमोन सुसीना देखने को मिल जाते हैं, मैग्डलेना लम्पार्स्का देखने को मिल जाते हैं, अतार सारल्दीजे भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो इस मूवी में सिनेमाटोग्राफी की है बारतेक कैरलिका ने और इस मूवी को एडिट किया है मार्सिन द्रेव नॉब्स्की ने और म्यूजिक किया है इस मूवी का पात्रैक कुमार ने और डोमिनिक बुकबॉस्की ने और बल बॉज ताजेक ने। प्रोडक्शन कंपनीज की बात करें तो द नेक्स्ट 365 डेज़ मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं ओपन माइंड वन, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है नेटफ्लिक्स ने। उसके आगे बात करें इस मूवी के
अगर हम कंट्री की, तो यह मूवी ओरिजिनल मूवी जे पोलैंड में बनाई गई, और इस मूवी का ओरिजिनल लैंग्वेज है जो वो पॉलिश, इंग्लिश और इटालियन है। और उसके आगे अगर हम बात करें इस मूवी के कि कौन से एक्टर ने किसके कैरेक्टर को प्ले किया है इस मूवी में, तो सबसे पहले लीडिंग रोल में अना मारिया सैकलुका देखने को मिल जाते हैं, जिन्होंने कि लॉरा बेल के कैरेक्टर को प्ले किया है इस मूवी में। उसके आगे माइकल मोरोन देखने को मिल जाते हैं, जिन्होंने कि डॉन मासिमो तोरेसेली के कैरेक्टर को प्ले किया है। साइमोन सुसीना ने नाचो के कैरेक्टर को प्ले किया है। मागदेलिना लंपार्स्का ने ओल्गा के कैरेक्टर को प्ले किया है। और तार सारल्दीजी ने डोमेनिको के कैरेक्टर को प्ले किया है। एवा कास प्रेजिक ने क्लारा बेल के कैरेक्टर को प्ले किया है द नेक्स्ट 365 डेज मूवी में। उसके आगे जॉनर की बात करें तो द नेक्स्ट 365 डेज मूवी एक एरोटिक ड्रामा मूवी है, काफ़ी पसंद आपको आएगी, काफ़ी अच्छा इस मूवी का स्टोरी है। और एक्ट्रेस का कमाल का परफॉर्मेंस आप इस मूवी में देख पाओगे, और बारबरा बायोलोबस एंड थॉमास मेंडेस ने काफ़ी बढ़िया डायरेक्ट भी किया है इस मूवी को, काफ़ी पसंद आपको आएगी। और आपको बता दें कि 365 डेज मूवी एक पूरी मूवी की सीरीज़ है, फ्रेंचाइजी है, और यह मूवी भी आपको काफ़ी पसंद आएगा। IMDb रेटिंग की बात कर लेते हैं तो द नेक्स्ट 365 डेज मूवी को IMDb पर 2.8 out of 10 का रेटिंग मिला है। लगभग 8,700 लोगों ने वोट्स किया है इस मूवी के लिए। और इसके आगे बात करें इस मूवी के बजट की, तो इस ये क्योंकि नेटफ्लिक्स की मूवी है तो इसका जो बजट है वो रिवील नहीं किया गया, और ना ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। सो नेटफ्लिक्स पर ही यह मूवी रिलीज़ हुई, ऑफिशियली मूवी है नेटफ्लिक्स की, आप ज़रूर से देख सकते हो। आज का यह मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, ताकि आने वाले सभी मूवी के रिव्यूज़, मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें। तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2022 में रिलीज़ हुई मूवी द नेक्स्ट 365 डेज के बारे में। यह मूवी भले ही 2022 में रिलीज़ हुई हो, लेकिन आज तक भी लोग इस मूवी के फ़ैन हैं, और इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, और काफ़ी ज़्यादा लोग द नेक्स्ट 365 डेज मूवी को देखना चाहते हैं। सो अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हो, इस मूवी के फ़ैन हो, तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर से कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ और मूवी की अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस मूवी की पूरी ही टीम के बारे में, कि कौन सी टीम ने द नेक्स्ट 365 डेज मूवी को बनाया है, किन्होंने डायरेक्ट किया है इस मूवी को, किन्होंने लिखा है, कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया है, उसके बारे में बात करेंगे, और बात करेंगे इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में, और इस मूवी के कैरेक्टर्स के बारे में, कि कौन से एक्टर ने किसके कैरेक्टर को प्ले किया है इस मूवी में, एंड फुल डिटेल में आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है इस मूवी के बारे में। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो। सो आगे हम बात करने सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में। तो द नेक्स्ट 365 डेज मूवी को डायरेक्ट किया है बारबरा बायोलोबस ने एंड थॉमास मेंडेस ने। स्क्रीन प्ले की बात करें तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है मोत्सा तिर्स ने, ब्लंका लिपिंस्का ने, थॉमास मेंडेस ने। प्रोड्यूसर की बात करें तो द नेक्स्ट 365 डेज मूवी को प्रोड्यूस किया है एवा लेवांडोव्स्का ने, थॉमास मेंडेस ने, मैसियंज काबुल्स्की ने। और एक्ट्रेस की बात करें तो इस मूवी में आपको सबसे पहले लीडिंग रोल में अना मारिया सैकलुका देखने को मिल जाते हैं, उसके आगे माइकल मोरोन देखने को मिल जाते हैं, साइमोन सुसीना देखने को मिल जाते हैं, मागदेलिना लंपार्स्का देखने को मिल जाते हैं, और तार सारल्दीजे भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं।
सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो इस मूवी में सिनेमाटोग्राफी की है बारतेक कैरलिका ने, और इस मूवी को एडिट किया है मार्सिन द्रेवनोव्स्की ने, और म्यूजिक किया है इस मूवी का पात्रैक कुमार ने और डोमिनिक बुकबोस्की ने और बॉज ताजेक ने। प्रोडक्शन कंपनीज की बात करें तो द नेक्स्ट 365 डेज मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं ओपन माइंड वन, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है नेटफ्लिक्स ने। उसके आगे बात करें इस मूवी के अगर हम कंट्री की, तो यह मूवी ओरिजिनल मूवी जे पोलैंड में बनाई गई, और इस मूवी का ओरिजिनल लैंग्वेज है जो वो पॉलिश इंग्लिश और इटालियन है। और उसके आगे अगर हम बात करें इस मूवी के कौन से एक्टर ने किसके कैरेक्टर को प्ले किया है इस मूवी में, तो सबसे पहले लीडिंग रोल में अना मारिया सैकलुका देखने को मिल जाते हैं, जिन्होंने कि लॉरा बेल के कैरेक्टर को प्ले किया है इस मूवी में। उसके आगे माइकल मोरोन देखने को मिल जाते हैं, जिन्होंने कि डॉन मासिमो टोरेसेली के कैरेक्टर को प्ले किया है। साइमोन सुसीना ने नाचो के कैरेक्टर को प्ले किया है। मैग्डालेना लंपार्स्का ने ओल्गा के कैरेक्टर को प्ले किया है, और तार सारल्डीजी ने डोमेनिको के कैरेक्टर को प्ले किया है। एवा कास प्राजिक ने क्लारा बेल के कैरेक्टर को प्ले किया है द नेक्स्ट 365 डेज मूवी में। उसके आगे जॉनर की बात करें तो द नेक्स्ट 365 डेज मूवी एक एरोटिक ड्रामा मूवी है, काफ़ी पसंद आपको आएगी, काफ़ी अच्छा इस मूवी का स्टोरी है, और एक्ट्रेस का कमाल का परफॉर्मेंस आप इस मूवी में देख पाओगे। और बारबरा बायोलॉबस एंड थॉमास मेंडेस ने काफ़ी बढ़िया डायरेक्ट भी किया है इस मूवी को, काफ़ी पसंद आपको आएगी। और आपको बता दें कि 365 डेज मूवी एक पूरी मूवी की सीरीज़ है, फ्रेंचाइजी है, और यह मूवी भी आपको काफ़ी पसंद आएगा। IMDb रेटिंग की बात कर लेते हैं तो द नेक्स्ट 365 डेज मूवी को IMDb पर 2.8 आउट ऑफ 10 का रेटिंग मिला है। लगभग 8,700 लोगों ने वोट्स किया है इस मूवी के लिए। और इसके आगे बात करें इस मूवी के बजट की, तो इस ये क्योंकि नेटफ्लिक्स की मूवी है तो इसका जो बजट है वो रिवील नहीं किया गया, और ना ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। सो नेटफ्लिक्स पर ही यह मूवी रिलीज़ हुई, ऑफिशियली मूवी है नेटफ्लिक्स की, आप ज़रूर से देख सकते हो। आज का यह मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, ताकि आने वाले सभी मूवी के रिव्यूज़, मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें। तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2022 में रिलीज़ हुई मूवी द नेक्स्ट 365 डेज़ के बारे में। यह मूवी भले ही 2022 में रिलीज़ हुई हो, लेकिन आज तक भी लोग इस मूवी के फ़ैन हैं, और इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, और काफ़ी ज़्यादा लोग द नेक्स्ट 365 डेज़ मूवी को देखना चाहते हैं। सो अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हो, इस मूवी के फ़ैन हो, तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर से कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ और मूवी की अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस मूवी की पूरी ही टीम के बारे में, कि कौन सी टीम ने द नेक्स्ट 365 डेज़ मूवी को बनाया है, किन्होंने डायरेक्ट किया है इस मूवी को, किन्होंने लिखा है, कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया है उसके बारे में बात करेंगे, और बात करेंगे इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में, और इस मूवी के कैरेक्टर्स के बारे में, कि कौन से एक्टर ने किसके कैरेक्टर को प्ले किया है इस मूवी में, एंड फुल डिटेल में आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है इस मूवी के बारे में। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो। सो आगे हम बात करने सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में। तो द नेक्स्ट 365 डेज मूवी को डायरेक्ट किया है बारबरा बायोलोबस ने एंड थॉमास मेंडेस ने। स्क्रीन प्ले की बात करें तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है मोत्सा तिर्स ने,
ब्लंका लिपिंस्का ने, थॉमस मानदेस ने। प्रोड्यूसर की बात करें तो द नेक्स्ट 365 डेज मूवी को प्रोड्यूस किया है एवा लेवांडोव्स्का ने, थॉमस मानदेस ने, मैसियंज काबुल्सकी ने। और एक्ट्रेस की बात करें तो इस मूवी में आपको सबसे पहले लीडिंग रोल में अना मारिया सैकलुका देखने को मिल जाते हैं, उसके आगे माइकल मोरोन देखने को मिल जाते हैं, साइमोन सुसीना देखने को मिल जाते हैं, मैग्डालेना लंपार्स्का देखने को मिल जाते हैं, अतार सारालदिज़े भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो इस मूवी में सिनेमाटोग्राफी की है बार्तेक कैरलिका ने, और इस मूवी को एडिट किया है मार्सिन द्रेव नॉब्स्की ने, और म्यूजिक किया है इस मूवी का पैट्रिक कुमार ने और डोमिनिक बुकबोस्की ने और बॉज ताजेक ने। प्रोडक्शन कंपनीज की बात करें तो द नेक्स्ट 365 डेज मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं ओपन माइंड वन, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है नेटफ्लिक्स ने। उसके आगे बात करें इस मूवी के अगर हम कंट्री की तो यह मूवी ओरिजिनल मूवी जे पोलैंड में बनाई गई, और इस मूवी का ओरिजिनल लैंग्वेज है जो वो पॉलिश इंग्लिश और इटालियन है। और उसके आगे अगर हम बात करें इस मूवी के कि कौन से एक्टर ने किसके कैरेक्टर को प्ले किया है इस मूवी में, सो सबसे पहले लीडिंग रोल में अना मारिया सैकलुका देखने को मिल जाते हैं, जिन्होंने कि लॉरा बेल के कैरेक्टर को प्ले किया है इस मूवी में। उसके आगे माइकल मोरोन देखने को मिल जाते हैं, जिन्होंने कि डॉन मासिमो तोरेसेली के कैरेक्टर को प्ले किया है। साइमोन सुसीना ने नाचो के कैरेक्टर को प्ले किया है। मैग्डालेना लंपार्स्का ने ओल्गा के कैरेक्टर को प्ले किया है। अतार सारालदिज़े ने डोमेनिको के कैरेक्टर को प्ले किया है। एवा कास्प्राज़िक ने क्लारा बेल के कैरेक्टर को प्ले किया है द नेक्स्ट 365 डेज मूवी में। उसके आगे जॉनर की बात करें तो द नेक्स्ट 365 डेज मूवी एक एरोटिक ड्रामा मूवी है, काफ़ी पसंद आपको आएगी, काफ़ी अच्छा इस मूवी का स्टोरी है। और एक्ट्रेस का कमाल का परफॉर्मेंस आप इस मूवी में देख पाओगे, और बारबरा बायोलोबस एंड थॉमस मेंडेस ने काफ़ी बढ़िया डायरेक्ट भी किया है इस मूवी को, काफ़ी पसंद आपको आएगी। और आपको बता दें कि 365 डेज मूवी एक पूरी मूवी की सीरीज़ है, फ्रेंचाइजी है, और यह मूवी भी आपको काफ़ी पसंद आएगा। IMDb रेटिंग की बात कर लेते हैं तो द नेक्स्ट 365 डेज मूवी को IMDb पर 2.8 आउट ऑफ 10 का रेटिंग मिला है। लगभग 8,700 लोगों ने वोट्स किया है इस मूवी के लिए। और इसके आगे बात करें इस मूवी के बजट की तो इस ये क्योंकि नेटफ्लिक्स की मूवी है तो इसका जो बजट है वो रिवील नहीं किया गया, और ना ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। सो नेटफ्लिक्स पर ही यह मूवी रिलीज़ हुई, ऑफिशियली मूवी है नेटफ्लिक्स की, आप ज़रूर से देख सकते हो। आज का यह मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, ताकि आने वाले सभी मूवी के रिव्यूज़, मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें। तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2022 में रिलीज़ हुई मूवी द नेक्स्ट 365 डेज़ के बारे में। यह मूवी भले ही 2022 में रिलीज़ हुई हो, लेकिन आज तक भी लोग इस मूवी के फ़ैन हैं, और इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, और काफ़ी ज़्यादा लोग द नेक्स्ट 365 डेज़ मूवी को देखना चाहते हैं। सो अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हो, इस मूवी के फ़ैन हो, तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर से कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ और मूवी की अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस मूवी की पूरी ही टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने द नेक्स्ट 365 डेज़ मूवी को बनाया है, किन्होंने डायरेक्ट किया है इस मूवी को, किन्होंने लिखा है, कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया है, उसके बारे में बात करेंगे। और
बात करेंगे इस मूवी के एक्टर्स के बारे में और इस मूवी के करेक्टर्स के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसके करेक्टर को प्ले किया है इस मूवी में, एंड फुल डिटेल में आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है इस मूवी के बारे में। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो सो आगे हम बात करने सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में। तो द नेक्स्ट 365 डेज मूवी को डायरेक्ट किया है बारबरा बाया लोबस ने एंड तोमांस मांदेस ने। स्क्रीन प्ले की बात करें तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है मोत्सा तिर्स ने, ब्लंका लिपिंस्का ने, तोमांस मांदेस ने। प्रोड्यूसर की बात करें तो द नेक्स्ट 365 डेज मूवी को प्रोड्यूस किया है एवा लेवांडोव्स्का ने, तोमांस मांदेस ने, मैसियंज काबुल्सकी ने। और एक्ट्रेस की बात करें तो इस मूवी में आपको सबसे पहले लीडिंग रोल में अना मारिया सैकलुका देखने को मिल जाते हैं, उसके आगे माइकल मोरोन देखने को मिल जाते हैं, साइमोन सुसीना देखने को मिल जाते हैं, मागदेलिना लंपार्स्का देखने को मिल जाते हैं, अतार सारा दिज़े भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो इस मूवी में सिनेमाटोग्राफी की है बारतेक कैरलिका ने और इस मूवी को एडिट किया है मार्सिन द्रेव नॉब्सकी ने और म्यूजिक किया है इस मूवी का पात्रैक कुमार ने और डोमिनिक बुकबॉस्की ने और बल बॉज ताजेक ने। प्रोडक्शन कंपनीज की बात करें तो द नेक्स्ट 365 डेज मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं ओपन माइंड वन, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है नेटफ्लिक्स ने। उसके आगे बात करें इस मूवी के अगर हम कंट्री की तो यह मूवी ओरिजिनल मूवी जे पोलैंड में बनाई गई और इस मूवी का ओरिजिनल लैंग्वेज है जो वो पॉलिश इंग्लिश और इटालियन है। और उसके आगे अगर हम बात करें इस मूवी के कि कौन से एक्टर ने किसके करेक्टर को प्ले किया है इस मूवी में, सो सबसे पहले लीडिंग रोल में अना मारिया सैकलुका देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने कि लॉरा बेल के करेक्टर को प्ले किया है इस मूवी में। उसके आगे माइकल मोरोन देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने कि डॉन मासिमो तोरेसेली के करेक्टर को प्ले किया है। साइमोन सुसीना ने नाचो के करेक्टर को प्ले किया है। मागदेलिना लंपार्स्का ने ओल्गा के करेक्टर को प्ले किया है। और तार सारल्दीजी ने डोमेनिको के करैक्टर को प्ले किया है। एवा कास प्राजिक ने क्लारा बेल के करैक्टर को प्ले किया है द नेक्स्ट 365 डेज मूवी में। उसके आगे जॉनर की बात करें तो द नेक्स्ट 365 डेज मूवी एक एरोटिक ड्रामा मूवी है, काफ़ी पसंद आपको आएगी, काफ़ी अच्छा इस मूवी का स्टोरी है और एक्ट्रेस का कमाल का परफॉर्मेंस आप इस मूवी में देख पाओगे। और बारबरा बायोलॉबस एंड तोमास मेंदेस ने काफ़ी बढ़िया डायरेक्ट भी किया है इस मूवी को, काफ़ी पसंद आपको आएगी। और आपको बता दें कि 365 डेज मूवी एक पूरी मूवी की सीरीज़ है, फ्रेंचाइजी है और यह मूवी भी आपको काफ़ी पसंद आएगा। आईएमडीबी रेटिंग की बात कर लेते हैं तो द नेक्स्ट 365 डेज मूवी को आईएमडीबी पर 2.8 आउट ऑफ 10 का रेटिंग मिला है। लगभग 8,700 लोगों ने वोट्स किया है इस मूवी के लिए। और इसके आगे बात करें इस मूवी के बजट की तो ये क्योंकि नेटफ्लिक्स की मूवी है तो इसका जो बजट है वो रिवील नहीं किया गया और ना ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। सो नेटफ्लिक्स पर ही यह मूवी रिलीज़ हुई, ऑफिशियली मूवी है नेटफ्लिक्स की, आप ज़रूर से देख सकते हो। आज का यह मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी के रिव्यूज़ मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें। तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2022 में रिलीज़ हुई मूवी द नेक्स्ट 365 डेज़ के बारे में। यह मूवी भले ही
2022 में रिलीज़ हुई हो, लेकिन आज तक भी लोग इस मूवी के फ़ैन हैं और इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग द नेक्स्ट 365 डेज़ मूवी को देखना चाहते हैं। सो अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हो, इस मूवी के फ़ैन हो, तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ और मूवी की अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस मूवी की पूरी ही टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने द नेक्स्ट 365 डेज़ मूवी को बनाया है, किन्होंने डायरेक्ट किया है इस मूवी को, किन्होंने लिखा है, कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया है उसके बारे में बात करेंगे और बात करेंगे इस मूवी के एक्टर्स के बारे में और इस मूवी के कैरेक्टर्स के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसके कैरेक्टर को प्ले किया है इस मूवी में। एंड फुल डिटेल में आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है इस मूवी के बारे में। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो। सो आगे हम बात करने सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में। तो द नेक्स्ट 365 डेज़ मूवी को डायरेक्ट किया है बारबरा बाया लोबस ने एंड तोमांस मानदेस ने। स्क्रीन प्ले की बात करें तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है मोत्सा तिर्स ने, ब्लंका लिपिंस्का ने, तोमांस मानदेस ने। प्रोड्यूसर की बात करें तो द नेक्स्ट 365 डेज़ मूवी को प्रोड्यूस किया है एवा लेवांडोव्स्का ने, तोमांस मानदेस ने, मैसियंज काबुल्सकी ने। और एक्ट्रेस की बात करें तो इस मूवी में आपको सबसे पहले लीडिंग रोल में अना मारिया सैकलुका देखने को मिल जाते हैं, उसके आगे माइकल मोरोन देखने को मिल जाते हैं, साइमोन सुसीना देखने को मिल जाते हैं, मागदेलिना लंपार्स्का देखने को मिल जाते हैं, अतार सारा दिज़े भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो इस मूवी में सिनेमाटोग्राफी की है बारतेक कैरलिका ने और इस मूवी को एडिट किया है मार्सिन द्रेव नॉब्स्की ने और म्यूजिक किया है इस मूवी का पैट्रिक कुमार ने और डोमिनिक बुकबोस्की ने और बॉज ताजेक ने। प्रोडक्शन कंपनीज़ की बात करें तो द नेक्स्ट 365 डेज़ मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं ओपन माइंड वन और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है नेटफ्लिक्स ने। उसके आगे बात करें इस मूवी के अगर हम कंट्री की तो यह मूवी ओरिजिनल मूवी जे पोलैंड में बनाई गई और इस मूवी का ओरिजिनल लैंग्वेज है जो वो पॉलिश इंग्लिश और इटालियन है। और उसके आगे अगर हम बात करें इस मूवी के कि कौन से एक्टर ने किसके कैरेक्टर को प्ले किया है इस मूवी में, सो सबसे पहले लीडिंग रोल में अना मारिया सैकलुका देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने कि लॉरा बेल के कैरेक्टर को प्ले किया है इस मूवी में। उसके आगे माइकल मोरोन देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने कि डॉन मासिमो तोरेसेली के कैरेक्टर को प्ले किया है। साइमोन सुसीना ने नाचो के कैरेक्टर को प्ले किया है। मागदेलिना लंपार्स्का ने ओल्गा के कैरेक्टर को प्ले किया है। अवतार सारल्डिजी ने डोमेनिको के कैरेक्टर को प्ले किया है। एवा कास प्राजिक ने क्लारा बेल के कैरेक्टर को प्ले किया है द नेक्स्ट 365 डेज़ मूवी में। उसके आगे जॉनर की बात करें तो द नेक्स्ट 365 डेज़ मूवी एक एरोटिक ड्रामा मूवी है, काफ़ी पसंद आपको आएगी, काफ़ी अच्छा इस मूवी का स्टोरी है और एक्ट्रेस का कमाल का परफॉर्मेंस आप इस मूवी में देख पाओगे। और बारबरा बायोलॉबस एंड तोमांस मेंडेस ने काफ़ी बढ़िया डायरेक्ट भी किया है इस मूवी को, काफ़ी पसंद आपको आएगी। और आपको बता दें कि 365 डेज़ मूवी एक पूरी मूवी की सीरीज़ है, फ्रेंचाइजी है और यह मूवी भी आपको काफ़ी पसंद आएगा। आईएमडीबी रेटिंग की बात कर लेते हैं तो द नेक्स्ट 365 डेज़ मूवी को आईएमडीबी पर
8 out of 10 का रेटिंग मिला है। लगभग 8,700 लोगों ने वोट्स किया है इस मूवी के लिए। और इसके आगे बात करें इस मूवी के बजट की, तो इस ये क्योंकि नेटफ्लिक्स की मूवी है तो इसका जो बजट है वो रिवील नहीं किया गया और ना ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। सो नेटफ्लिक्स पर ही यह मूवी रिलीज़ हुई, ऑफिशियली मूवी है नेटफ्लिक्स की, आप ज़रूर से देख सकते हो। आज का यह मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी के रिव्यूज़, मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें। तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2022 में रिलीज़ हुई मूवी द नेक्स्ट 365 डेज़ के बारे में। यह मूवी भले ही 2022 में रिलीज़ हुई हो लेकिन आज तक भी लोग इस मूवी के फ़ैन हैं और इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग द नेक्स्ट 365 डेज़ मूवी को देखना चाहते हैं। सो अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हो, इस मूवी के फ़ैन हो, तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ और मूवी की अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस मूवी की पूरी ही टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने द नेक्स्ट 365 डेज़ मूवी को बनाया है, किन्होंने डायरेक्ट किया है इस मूवी को, किन्होंने लिखा है, कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया है उसके बारे में बात करेंगे और बात करेंगे इस मूवी के एक्टर्स के बारे में और इस मूवी के कैरेक्टर्स के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसके कैरेक्टर को प्ले किया है इस मूवी में। एंड फुल डिटेल में आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है इस मूवी के बारे में। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो। सो आगे हम बात करने सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में। तो द नेक्स्ट 365 डेज़ मूवी को डायरेक्ट किया है बारबरा बायालोबस ने एंड तोमांस मानदेस ने। स्क्रीन प्ले की बात करें तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है मोत्सा तिर्स ने, ब्लंका लिपिंस्का ने, तोमांस मानदेस ने। प्रोड्यूसर की बात करें तो द नेक्स्ट 365 डेज़ मूवी को प्रोड्यूस किया है एवा लेवांडोव्स्का ने, तोमांस मानदेस ने, मैसियंस काबुल्स्की ने। और एक्ट्रेस की बात करें तो इस मूवी में आपको सबसे पहले लीडिंग रोल में अना मारिया सैकलुका देखने को मिल जाते हैं, उसके आगे माइकल मोरोन देखने को मिल जाते हैं, साइमोन सुसीना देखने को मिल जाते हैं, मैग्डलेना लंपार्स्का देखने को मिल जाते हैं, अतार सारालदिज़े भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो इस मूवी में सिनेमाटोग्राफी की है बारतेक कैरलिका ने और इस मूवी को एडिट किया है मार्सिन द्रेव नॉब्स्की ने और म्यूजिक किया है इस मूवी का पैट्रिक कुमार ने और डोमिनिक बुकबोस्की ने और बॉज ताजेक ने। प्रोडक्शन कंपनीज की बात करें तो द नेक्स्ट 365 डेज़ मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं ओपन माइंड वन और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है नेटफ्लिक्स ने। उसके आगे बात करें इस मूवी के अगर हम कंट्री की तो यह मूवी ओरिजिनल मूवी जे पोलैंड में बनाई गई और इस मूवी का ओरिजिनल लैंग्वेज है जो वो पॉलिश इंग्लिश और इटालियन है। और उसके आगे अगर हम बात करें इस मूवी के कि कौन से एक्टर ने किसके कैरेक्टर को प्ले किया है इस मूवी में, सो सबसे पहले लीडिंग रोल में अना मारिया सैकलुका देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने कि लॉरा बेल के कैरेक्टर को प्ले किया है इस मूवी में। उसके आगे माइकल मोरोन देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने कि डॉन मासिमो तोरेसेली के कैरेक्टर को प्ले किया है। साइमोन सुसीना ने नाचो के कैरेक्टर को प्ले किया है। मैग्डलेना लंपार्स्का ने ओल्गा के कैरेक्टर को प्ले किया है और तार सारालदिज़ी ने डोमेनिको के कैरेक्टर को प्ले किया है। एवा कास प्राजिक ने
क्लारा बेल के कैरेक्टर को प्ले किया है द नेक्स्ट 365 डेज मूवी में। उसके आगे जॉनर की बात करें तो द नेक्स्ट 365 डेज मूवी एक एरोटिक ड्रामा मूवी है, काफ़ी पसंद आपको आएगी, काफ़ी अच्छा इस मूवी का स्टोरी है और एक्ट्रेस का कमाल का परफॉर्मेंस आप इस मूवी में देख पाओगे। और बारबरा बायोलॉबस एंड थॉमास मेंडेस ने काफ़ी बढ़िया डायरेक्ट भी किया है इस मूवी को, काफ़ी पसंद आपको आएगी। और आपको बता दें कि 365 डेज मूवी एक पूरी मूवी की सीरीज़ है, फ्रेंचाइजी है और यह मूवी भी आपको काफ़ी पसंद आएगा। आईएमडीबी रेटिंग की बात कर लेते हैं तो द नेक्स्ट 365 डेज मूवी को आईएमडीबी पर 2.8 आउट ऑफ 10 का रेटिंग मिला है। लगभग 8,700 लोगों ने वोट्स किया है इस मूवी के लिए। और इसके आगे बात करें इस मूवी के बजट की तो इस ये क्योंकि नेटफ्लिक्स की मूवी है तो इसका जो बजट है वो रिवील नहीं किया गया और ना ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। सो नेटफ्लिक्स पर ही यह मूवी रिलीज़ हुई, ऑफिशियली मूवी है नेटफ्लिक्स की, आप ज़रूर से देख सकते हो। आज का यह मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी के रिव्यूज़, मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें। तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2022 में रिलीज़ हुई मूवी द नेक्स्ट 365 डेज के बारे में। यह मूवी भले ही 2022 में रिलीज़ हुई हो लेकिन आज तक भी लोग इस मूवी के फ़ैन हैं और इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग द नेक्स्ट 365 डेज मूवी को देखना चाहते हैं। सो अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हो, इस मूवी के फ़ैन हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ और मूवी की अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस मूवी की पूरी ही टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने द नेक्स्ट 365 डेज मूवी को बनाया है, किन्होंने डायरेक्ट किया है इस मूवी को, किन्होंने लिखा है, कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया है उसके बारे में बात करेंगे और बात करेंगे इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में और इस मूवी के कैरेक्टर्स के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसके कैरेक्टर को प्ले किया है इस मूवी में। एंड फुल डिटेल में आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है इस मूवी के बारे में। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो। सो आगे हम बात करने सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में। तो द नेक्स्ट 365 डेज मूवी को डायरेक्ट किया है बारबरा बायोलोबस ने एंड थॉमास मेंडेस ने। स्क्रीन प्ले की बात करें तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है मोत्सा तिर्स ने, ब्लंका लिपिंस्का ने, थॉमास मेंडेस ने। प्रोड्यूसर की बात करें तो द नेक्स्ट 365 डेज मूवी को प्रोड्यूस किया है एवा लेवांडोव्स्का ने, थॉमास मेंडेस ने, मैसियंस काबुल्स्की ने। और एक्ट्रेस की बात करें तो इस मूवी में आपको सबसे पहले लीडिंग रोल में अना मारिया सैकलुका देखने को मिल जाते हैं, उसके आगे माइकल मोरोन देखने को मिल जाते हैं, साइमोन सुसीना देखने को मिल जाते हैं, मैग्डलेना लंपार्स्का देखने को मिल जाते हैं, अतार सारालदिज़े भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो इस मूवी में सिनेमाटोग्राफी की है बारतेक कैरलिका ने और इस मूवी को एडिट किया है मार्सिन द्रेव नॉब्स्की ने और म्यूजिक किया है इस मूवी का पैट्रिक कुमार ने और डोमिनिक बुकबोस्की ने और बॉज ताजेक ने। प्रोडक्शन कंपनीज की बात करें तो द नेक्स्ट 365 डेज मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं ओपन माइंड वन और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है नेटफ्लिक्स ने। उसके आगे बात करें इस मूवी के अगर हम कंट्री की तो यह मूवी ओरिजिनल मूवी जे पोलैंड में बनाई गई और इस मूवी का ओरिजिनल लैंग्वेज है जो वो पॉलिश इंग्लिश और इटालियन है
और उसके आगे अगर हम बात करें इस मूवी के कि कौन से एक्टर ने किसके कैरेक्टर को प्ले किया है इस मूवी में, तो सबसे पहले लीडिंग रोल में अना मारिया सैकलुका देखने को मिल जाते हैं, जिन्होंने कि लॉरा बेल के कैरेक्टर को प्ले किया है इस मूवी में। उसके आगे माइकल मोरोन देखने को मिल जाते हैं, जिन्होंने कि डॉन मासिमो तोरेसेली के कैरेक्टर को प्ले किया है। साइमोन सुसीना ने नाचो के कैरेक्टर को प्ले किया है। मागदेलिना लंपार्स्का ने ओल्गा के कैरेक्टर को प्ले किया है। और तार सारल्दीजी ने डोमेनिको के कैरेक्टर को प्ले किया है। एवा कास प्राजिक ने क्लारा बेल के कैरेक्टर को प्ले किया है द नेक्स्ट 365 डेज मूवी में। उसके आगे जॉनर की बात करें तो द नेक्स्ट 365 डेज मूवी एक एरोटिक ड्रामा मूवी है, काफ़ी पसंद आपको आएगी, काफ़ी अच्छा इस मूवी का स्टोरी है और एक्ट्रेस का कमाल का परफॉर्मेंस आप इस मूवी में देख पाओगे। और बारबरा बायोलॉबस एंड थॉमास मेंडेस ने काफ़ी बढ़िया डायरेक्ट भी किया है इस मूवी को, काफ़ी पसंद आपको आएगी। और आपको बता दें कि 365 डेज मूवी एक पूरी मूवी की सीरीज़ है, फ्रेंचाइजी है और यह मूवी भी आपको काफ़ी पसंद आएगा। आईएमडीबी रेटिंग की बात कर लेते हैं तो द नेक्स्ट 365 डेज मूवी को आईएमडीबी पर 2.8 out of 10 का रेटिंग मिला है। लगभग 8,700 लोगों ने वोट्स किया है इस मूवी के लिए। और इसके आगे बात करें इस मूवी के बजट की तो इस ये क्योंकि नेटफ्लिक्स की मूवी है तो इसका जो बजट है वो रिवील नहीं किया गया और ना ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। सो नेटफ्लिक्स पर ही यह मूवी रिलीज़ हुई, ऑफिशियली मूवी है नेटफ्लिक्स की, आप ज़रूर से देख सकते हो। आज का यह मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी के रिव्यूज़ मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें। तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2022 में रिलीज़ हुई मूवी द नेक्स्ट 365 डेज़ के बारे में। यह मूवी भले ही 2022 में रिलीज़ हुई हो लेकिन आज तक भी लोग इस मूवी के फ़ैन हैं और इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग द नेक्स्ट 365 डेज़ मूवी को देखना चाहते हैं। सो अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हो, इस मूवी के फ़ैन हो, तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ और मूवी की अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस मूवी की पूरी ही टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने द नेक्स्ट 365 डेज़ मूवी को बनाया है, किन्होंने डायरेक्ट किया है इस मूवी को, किन्होंने लिखा है, कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया है उसके बारे में बात करेंगे और बात करेंगे इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में और इस मूवी के कैरेक्टर्स के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसके कैरेक्टर को प्ले किया है इस मूवी में। एंड फुल डिटेल में आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है इस मूवी के बारे में। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो। सो आगे हम बात करने सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में। तो द नेक्स्ट 365 डेज मूवी को डायरेक्ट किया है बारबरा बायोलोबस ने एंड थॉमस मेंडेस ने। स्क्रीन प्ले की बात करें तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है मोत्सा तिर्स ने, ब्लंका लिपिंस्का ने, थॉमस मेंडेस ने। प्रोड्यूसर की बात करें तो द नेक्स्ट 365 डेज मूवी को प्रोड्यूस किया है एवा लेवांडोव्स्का ने, थॉमस मेंडेस ने, मैसियंज काबुल्स्की ने। और एक्ट्रेस की बात करें तो इस मूवी में आपको सबसे पहले लीडिंग रोल में अना मारिया सैकलुका देखने को मिल जाते हैं, उसके आगे माइकल मोरोन देखने को मिल जाते हैं, साइमोन सुसीना देखने को मिल जाते हैं, मागदेलिना लंपार्स्का देखने को मिल जाते हैं और तार सारल्दीजे भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो इस मूवी में सिनेमाटोग्राफी की है बारतेक कैरलिका ने और इस मूवी को एडिट किया है मार्सिन द्रेव नॉब्सकी ने और म्यूजिक किया है इस
मूवी का पैट्रिक कुमार ने और डोमिनिक बुकबॉस्की ने और बाज ताजेक ने। प्रोडक्शन कंपनीज की बात करें तो द नेक्स्ट 365 डेज मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं ओपन माइंड वन, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है नेटफ्लिक्स ने। उसके आगे बात करें इस मूवी के अगर हम कंट्री की, तो यह मूवी ओरिजिनल मूवी जे पोलैंड में बनाई गई, और इस मूवी का ओरिजिनल लैंग्वेज है जो वो पॉलिश इंग्लिश और इटालियन है। और उसके आगे अगर हम बात करें इस मूवी के कि कौन से एक्टर ने किसके करेक्टर को प्ले किया है इस मूवी में, तो सबसे पहले लीडिंग रोल में अना मारिया सैकलुका देखने को मिल जाते हैं, जिन्होंने कि लॉरा बेल के करेक्टर को प्ले किया है इस मूवी में। उसके आगे माइकल मोरोन देखने को मिल जाते हैं, जिन्होंने कि डॉन मासिमो तोरेसेली के करेक्टर को प्ले किया है। साइमोन सुसीना ने नाचो के करेक्टर को प्ले किया है। मैग्डालेना लंपार्स्का ने ओल्गा के करेक्टर को प्ले किया है। और तार सारल्डीजी ने डोमेनिको के करेक्टर को प्ले किया है। एवा कास प्रेजिक ने क्लारा बेल के करेक्टर को प्ले किया है द नेक्स्ट 365 डेज मूवी में। उसके आगे जॉनर की बात करें तो द नेक्स्ट 365 डेज मूवी एक एरोटिक ड्रामा मूवी है, काफ़ी पसंद आपको आएगी, काफ़ी अच्छा इस मूवी का स्टोरी है, और एक्ट्रेस का कमाल का परफॉर्मेंस आप इस मूवी में देख पाओगे। और बारबरा बायोलोबस एंड थॉमस मेंडेस ने काफ़ी बढ़िया डायरेक्ट भी किया है इस मूवी को, काफ़ी पसंद आपको आएगी। और आपको बता दें कि 365 डेज मूवी एक पूरी मूवी की सीरीज़ है, फ्रेंचाइजी है, और यह मूवी भी आपको काफ़ी पसंद आएगा। आईएमडीबी रेटिंग की बात कर लेते हैं तो द नेक्स्ट 365 डेज मूवी को आईएमडीबी पर 2.8 आउट ऑफ 10 का रेटिंग मिला है। लगभग 8,700 लोगों ने वोट्स किया है इस मूवी के लिए। और इसके आगे बात करें इस मूवी के बजट की, तो इस ये क्योंकि नेटफ्लिक्स की मूवी है तो इसका जो बजट है वो रिवील नहीं किया गया, और ना ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। सो नेटफ्लिक्स पर ही यह मूवी रिलीज़ हुई, ऑफिशियली मूवी है नेटफ्लिक्स की, आप ज़रूर से देख सकते हो। आज का यह मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, ताकि आने वाले सभी मूवी के रिव्यूज़ मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें। तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2022 में रिलीज़ हुई मूवी द नेक्स्ट 365 डेज़ के बारे में। यह मूवी भले ही 2022 में रिलीज़ हुई हो, लेकिन आज तक भी लोग इस मूवी के फ़ैन हैं, और इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, और काफ़ी ज़्यादा लोग द नेक्स्ट 365 डेज़ मूवी को देखना चाहते हैं। सो अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हो, इस मूवी के फ़ैन हो, तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर से कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ और मूवी की अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस मूवी की पूरी ही टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने द नेक्स्ट 365 डेज़ मूवी को बनाया है, किन्होंने डायरेक्ट किया है इस मूवी को, किन्होंने लिखा है, कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया है उसके बारे में बात करेंगे, और बात करेंगे इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में, और इस मूवी के करैक्टर्स के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसके करैक्टर को प्ले किया है इस मूवी में। एंड फुल डिटेल में आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है इस मूवी के बारे में। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो। सो आगे हम बात करने सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में। तो द नेक्स्ट 365 डेज मूवी को डायरेक्ट किया है बारबरा बायोलोबस ने एंड थॉमस मेंडेस ने। स्क्रीन प्ले की बात करें तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है मोत्सा तिर्स ने, ब्लंका लिपिंस्का ने, थॉमस मेंडेस ने। प्रोड्यूसर की बात करें तो द नेक्स्ट 365 डेज मूवी को प्रोड्यूस किया है एवा लेवांडोव्स्का ने, थॉमस मेंडेस ने, मैसियंज
काबुल्सकी ने। और एक्ट्रेस की बात करें तो इस मूवी में आपको सबसे पहले लीडिंग रोल में अना मारिया सैकलुका देखने को मिल जाते हैं, उसके आगे माइकल मोरोन देखने को मिल जाते हैं, साइमोन सुसीना देखने को मिल जाते हैं, मागदेलिना लंपार्स्का देखने को मिल जाते हैं, अतार सारा दिज़े भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो इस मूवी में सिनेमाटोग्राफी की है बारतेक कैरलिका ने, और इस मूवी को एडिट किया है मार्सिन द्रेव नॉब्सकी ने, और म्यूजिक किया है इस मूवी का पात्रैक कुमार ने और डोमिनिक बुकबॉस्की ने और बल बॉज ताजेक ने। प्रोडक्शन कंपनीज की बात करें तो द नेक्स्ट 365 डेज मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं ओपन माइंड वन, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है नेटफ्लिक्स ने। उसके आगे बात करें इस मूवी के अगर हम कंट्री की, तो यह मूवी ओरिजिनल मूवी जे पोलैंड में बनाई गई, और इस मूवी का ओरिजिनल लैंग्वेज है जो वो पॉलिश इंग्लिश और इटालियन है। और उसके आगे अगर हम बात करें इस मूवी के कौन से एक्टर ने किसके करेक्टर को प्ले किया है इस मूवी में, सो सबसे पहले लीडिंग रोल में अना मारिया सैकलुका देखने को मिल जाते हैं, जिन्होंने कि लॉरा बेल के करैक्टर को प्ले किया है इस मूवी में। उसके आगे माइकल मोरोन देखने को मिल जाते हैं, जिन्होंने कि डॉन मासिमो तोरेसेली के करैक्टर को प्ले किया है। साइमोन सुसीना ने नाचो के करैक्टर को प्ले किया है। मागदेलिना लंपार्स्का ने ओल्गा के करैक्टर को प्ले किया है। और तार सारल्दीजी ने डोमेनिको के करैक्टर को प्ले किया है। एवा कास प्राजिक ने क्लारा बेल के करैक्टर को प्ले किया है द नेक्स्ट 365 डेज मूवी में। उसके आगे जॉनर की बात करें तो द नेक्स्ट 365 डेज मूवी एक एरोटिक ड्रामा मूवी है, काफ़ी पसंद आपको आएगी, काफ़ी अच्छा इस मूवी का स्टोरी है, और एक्ट्रेस का कमाल का परफॉर्मेंस आप इस मूवी में देख पाओगे। और बारबरा बायोलॉबस एंड थॉमास मेंडेस ने काफ़ी बढ़िया डायरेक्ट भी किया है इस मूवी को, काफ़ी पसंद आपको आएगी। और आपको बता दें कि 365 डेज मूवी एक पूरी मूवी की सीरीज़ है, फ्रेंचाइजी है, और यह मूवी भी आपको काफ़ी पसंद आएगा। IMDb रेटिंग की बात कर लेते हैं तो द नेक्स्ट 365 डेज मूवी को IMDb पर 2.8 आउट ऑफ 10 का रेटिंग मिला है। लगभग 8,700 लोगों ने वोट्स किया है इस मूवी के लिए। और इसके आगे बात करें इस मूवी के बजट की, तो इस ये क्योंकि नेटफ्लिक्स की मूवी है तो इसका जो बजट है वो रिवील नहीं किया गया, और ना ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, सो नेटफ्लिक्स पर ही यह मूवी रिलीज़ हुई। ऑफिशियली मूवी है नेटफ्लिक्स की, आप ज़रूर से देख सकते हो। आज का यह मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, ताकि आने वाले सभी मूवी के रिव्यूज़, मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें। तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2022 में रिलीज़ हुई मूवी द नेक्स्ट 365 डेज़ के बारे में। यह मूवी भले ही 2022 में रिलीज़ हुई हो, लेकिन आज तक भी लोग इस मूवी के फ़ैन हैं, और इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, और काफ़ी ज़्यादा लोग द नेक्स्ट 365 डेज़ मूवी को देखना चाहते हैं। सो अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हो, इस मूवी के फ़ैन हो, तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर से कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ और मूवी की अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस मूवी की पूरी ही टीम के बारे में, कि कौन सी टीम ने द नेक्स्ट 365 डेज़ मूवी को बनाया है, किन्होंने डायरेक्ट किया है इस मूवी को, किन्होंने लिखा है, कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया है, उसके बारे में बात करेंगे, और बात करेंगे इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में, और इस मूवी के
कैरेक्टर्स के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसके कैरेक्टर को प्ले किया है इस मूवी में, एंड फुल डिटेल में आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है इस मूवी के बारे में। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो। सो आगे हम बात करने सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में। तो द नेक्स्ट 365 डेज मूवी को डायरेक्ट किया है बारबरा बाया लोबस ने एंड तोमांस मानदेस ने। स्क्रीन प्ले की बात करें तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है मोत्सा तिर्स ने, ब्लंका लिपिंस्का ने, तोमांस मानदेस ने। प्रोड्यूसर की बात करें तो द नेक्स्ट 365 डेज मूवी को प्रोड्यूस किया है एवा लेवांडोव्स्का ने, तोमांस मानदेस ने, मैसियंज काबुल्सकी ने। और एक्ट्रेस की बात करें तो इस मूवी में आपको सबसे पहले लीडिंग रोल में अना मारिया सैकलुका देखने को मिल जाते हैं, उसके आगे माइकल मोरोन देखने को मिल जाते हैं, साइमोन सुसीना देखने को मिल जाते हैं, मैग्डलेना लंपार्स्का देखने को मिल जाते हैं, अतार सारा दिज़े भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो इस मूवी में सिनेमाटोग्राफी की है बारतेक कैरलिका ने, और इस मूवी को एडिट किया है मार्सिन द्रेव नॉब्स्की ने, और म्यूजिक किया है इस मूवी का पैट्रिक कुमार ने और डोमिनिक बुकबोस्की ने और बॉज ताजेक ने। प्रोडक्शन कंपनीज की बात करें तो द नेक्स्ट 365 डेज मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं ओपन माइंड वन, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है नेटफ्लिक्स ने। उसके आगे बात करें इस मूवी के अगर हम कंट्री की, तो यह मूवी ओरिजिनल मूवी जे पोलैंड में बनाई गई, और इस मूवी का ओरिजिनल लैंग्वेज है जो वो पॉलिश इंग्लिश और इटालियन है। और उसके आगे अगर हम बात करें इस मूवी के कि कौन से एक्टर ने किसके कैरेक्टर को प्ले किया है इस मूवी में, सो सबसे पहले लीडिंग रोल में अना मारिया सैकलुका देखने को मिल जाते हैं, जिन्होंने कि लॉरा बेल के कैरेक्टर को प्ले किया है इस मूवी में। उसके आगे माइकल मोरोन देखने को मिल जाते हैं, जिन्होंने कि डॉन मासिमो तोरेसेली के कैरेक्टर को प्ले किया है। साइमोन सुसीना ने नाचो के कैरेक्टर को प्ले किया है। मैग्डलेना लंपार्स्का ने ओल्गा के कैरेक्टर को प्ले किया है। अवतार सारल्डीजी ने डोमेनिको के कैरेक्टर को प्ले किया है। एवा कास प्राजिक ने क्लारा बेल के कैरेक्टर को प्ले किया है द नेक्स्ट 365 डेज मूवी में। उसके आगे जॉनर की बात करें तो द नेक्स्ट 365 डेज मूवी एक एरोटिक ड्रामा मूवी है, काफ़ी पसंद आपको आएगी, काफ़ी अच्छा इस मूवी का स्टोरी है, और एक्ट्रेस का कमाल का परफॉर्मेंस आप इस मूवी में देख पाओगे। और बारबरा बायोलॉबस एंड तोमांस मेंडेस ने काफ़ी बढ़िया डायरेक्ट भी किया है इस मूवी को, काफ़ी पसंद आपको आएगी। और आपको बता दें कि 365 डेज मूवी एक पूरी मूवी की सीरीज़ है, फ्रेंचाइजी है, और यह मूवी भी आपको काफ़ी पसंद आएगा। आईएमडीबी रेटिंग की बात कर लेते हैं तो द नेक्स्ट 365 डेज मूवी को आईएमडीबी पर 2.8 आउट ऑफ 10 का रेटिंग मिला है। लगभग 8,700 लोगों ने वोट्स किया है इस मूवी के लिए। और इसके आगे बात करें इस मूवी के बजट की, तो इस ये क्योंकि नेटफ्लिक्स की मूवी है तो इसका जो बजट है वो रिवील नहीं किया गया, और ना ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। सो नेटफ्लिक्स पर ही यह मूवी रिलीज़ हुई, ऑफिशियली मूवी है नेटफ्लिक्स की, आप ज़रूर से देख सकते हो। आज का यह मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, ताकि आने वाले सभी मूवी के रिव्यूज़ मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें। तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2022 में रिलीज़ हुई मूवी द नेक्स्ट 365 डेज़ के बारे में। यह मूवी भले ही
2022 में रिलीज़ हुई हो, लेकिन आज तक भी लोग इस मूवी के फ़ैन हैं और इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग द नेक्स्ट 365 डेज़ मूवी को देखना चाहते हैं। सो अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हो, इस मूवी के फ़ैन हो, तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ और मूवी की अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस मूवी की पूरी ही टीम के बारे में, कि कौन सी टीम ने द नेक्स्ट 365 डेज़ मूवी को बनाया है, किन्होंने डायरेक्ट किया है इस मूवी को, किन्होंने लिखा है, कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया है, उसके बारे में बात करेंगे, और बात करेंगे इस मूवी के एक्टर्स के बारे में और इस मूवी के कैरेक्टर्स के बारे में, कि कौन से एक्टर ने किसके कैरेक्टर को प्ले किया है इस मूवी में, एंड फुल डिटेल में आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है इस मूवी के बारे में। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो। सो आगे हम बात करने सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में। तो द नेक्स्ट 365 डेज़ मूवी को डायरेक्ट किया है बारबरा बायालोबस ने एंड तोमांस मांदेस ने। स्क्रीन प्ले की बात करें तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है मोत्सा तिर्स ने, ब्लंका लिपिंस्का ने, तोमांस मांदेस ने। प्रोड्यूसर की बात करें तो द नेक्स्ट 365 डेज मूवी को प्रोड्यूस किया है एवा लेवांडोव्स्का ने, तोमांस मांदेस ने, मैसियंस काबुल्सकी ने। और एक्ट्रेस की बात करें तो इस मूवी में आपको सबसे पहले लीडिंग रोल में अना मारिया सैकलुका देखने को मिल जाते हैं, उसके आगे माइकल मोरोन देखने को मिल जाते हैं, साइमोन सुसीना देखने को मिल जाते हैं, मागदेलिना लंपार्स्का देखने को मिल जाते हैं, अतार सारालदिज़े भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो इस मूवी में सिनेमाटोग्राफी की है बारतेक कैरलिका ने, और इस मूवी को एडिट किया है मार्सिन द्रेव नॉब्स्की ने, और म्यूजिक किया है इस मूवी का पात्रैक कुमार ने और डोमिनिक बुकबॉस्की ने और बल बॉज ताजेक ने। प्रोडक्शन कंपनीज की बात करें तो द नेक्स्ट 365 डेज़ मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं ओपन माइंड वन, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है नेटफ्लिक्स ने। उसके आगे बात करें इस मूवी के अगर हम कंट्री की, तो यह मूवी ओरिजिनल मूवी जे पोलैंड में बनाई गई, और इस मूवी का ओरिजिनल लैंग्वेज है जो वो पॉलिश इंग्लिश और इटालियन है। और उसके आगे अगर हम बात करें इस मूवी के कि कौन से एक्टर ने किसके कैरेक्टर को प्ले किया है इस मूवी में, सो सबसे पहले लीडिंग रोल में अना मारिया सैकलुका देखने को मिल जाते हैं, जिन्होंने कि लॉरा बेल के कैरेक्टर को प्ले किया है इस मूवी में। उसके आगे माइकल मोरोन देखने को मिल जाते हैं, जिन्होंने कि डॉन मासिमो तोरेसेली के कैरेक्टर को प्ले किया है। साइमोन सुसीना ने नाचो के कैरेक्टर को प्ले किया है। मागदेलिना लंपार्स्का ने ओल्गा के कैरेक्टर को प्ले किया है। और तार सारालदिज़ी ने डोमेनिको के कैरेक्टर को प्ले किया है। एवा कास प्राजिक ने क्लारा बेल के कैरेक्टर को प्ले किया है द नेक्स्ट 365 डेज मूवी में। उसके आगे जॉनर की बात करें तो द नेक्स्ट 365 डेज मूवी एक एरोटिक ड्रामा मूवी है, काफ़ी पसंद आपको आएगी, काफ़ी अच्छा इस मूवी का स्टोरी है, और एक्ट्रेस का कमाल का परफॉर्मेंस आप इस मूवी में देख पाओगे, और बारबरा बायोलॉबस एंड तोमास मेंडेस ने काफ़ी बढ़िया डायरेक्ट भी किया है इस मूवी को, काफ़ी पसंद आपको आएगी। और आपको बता दें कि 365 डेज़ मूवी एक पूरी मूवी की सीरीज़ है, फ्रेंचाइजी है, और यह मूवी भी आपको काफ़ी पसंद आएगा। आईएमडीबी रेटिंग की बात कर लेते हैं तो द नेक्स्ट 365 डेज़ मूवी को आईएमडीबी पर
0.8 out of 10 का रेटिंग मिला है। लगभग 8,700 लोगों ने वोट्स किया है इस मूवी के लिए। और इसके आगे बात करें इस मूवी के बजट की, तो इस ये क्योंकि नेटफ्लिक्स की मूवी है तो इसका जो बजट है वो रिवील नहीं किया गया और ना ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। सो नेटफ्लिक्स पर ही यह मूवी रिलीज़ हुई, ऑफिशियली मूवी है नेटफ्लिक्स की, आप ज़रूर से देख सकते हो। आज का यह मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी के रिव्यूज़, मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें। तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2022 में रिलीज़ हुई मूवी द नेक्स्ट 365 डेज के बारे में। यह मूवी भले ही 2022 में रिलीज़ हुई हो लेकिन आज तक भी लोग इस मूवी के फ़ैन हैं और इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग द नेक्स्ट 365 डेज मूवी को देखना चाहते हैं। सो अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हो, इस मूवी के फ़ैन हो, तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ और मूवी की अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस मूवी की पूरी ही टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने द नेक्स्ट 365 डेज मूवी को बनाया है, किन्होंने डायरेक्ट किया है इस मूवी को, किन्होंने लिखा है, कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया है उसके बारे में बात करेंगे और बात करेंगे इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में और इस मूवी के कैरेक्टर्स के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसके कैरेक्टर को प्ले किया है इस मूवी में। एंड फुल डिटेल में आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है इस मूवी के बारे में। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो। सो आगे हम बात करने सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में। तो द नेक्स्ट 365 डेज मूवी को डायरेक्ट किया है बारबरा बायालोबस ने एंड तोमांस मानदेस ने। स्क्रीन प्ले की बात करें तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है मोत्सा तिर्स ने, ब्लंका लिपिंस्का ने, तोमांस मानदेस ने। प्रोड्यूसर की बात करें तो द नेक्स्ट 365 डेज मूवी को प्रोड्यूस किया है एवा लेवांडोव्स्का ने, तोमांस मानदेस ने, मैसियंस काबुल्स्की ने। और एक्ट्रेस की बात करें तो इस मूवी में आपको सबसे पहले लीडिंग रोल में अना मारिया सैकलुका देखने को मिल जाते हैं, उसके आगे माइकल मोरोन देखने को मिल जाते हैं, साइमोन सुसीना देखने को मिल जाते हैं, मैग्डलेना लंपार्स्का देखने को मिल जाते हैं, अतार सारालदिज़े भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो इस मूवी में सिनेमाटोग्राफी की है बारतेक कैरलिका ने और इस मूवी को एडिट किया है मार्सिन द्रेव नॉब्स्की ने और म्यूजिक किया है इस मूवी का पैट्रिक कुमार ने और डोमिनिक बुकबोस्की ने और बॉज ताजेक ने। प्रोडक्शन कंपनीज की बात करें तो द नेक्स्ट 365 डेज मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं ओपन माइंड वन और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है नेटफ्लिक्स ने। उसके आगे बात करें इस मूवी के अगर हम कंट्री की तो यह मूवी ओरिजिनल मूवी जे पोलैंड में बनाई गई और इस मूवी का ओरिजिनल लैंग्वेज है जो वो पॉलिश इंग्लिश और इटालियन है। और उसके आगे अगर हम बात करें इस मूवी के कौन से एक्टर ने किसके कैरेक्टर को प्ले किया है इस मूवी में, सो सबसे पहले लीडिंग रोल में अना मारिया सैकलुका देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने कि लॉरा बेल के कैरेक्टर को प्ले किया है इस मूवी में। उसके आगे माइकल मोरोन देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने कि डॉन मासिमो टोरेसेली के कैरेक्टर को प्ले किया है। साइमोन सुसीना ने नाचो के कैरेक्टर को प्ले किया है। मैग्डलेना लंपार्स्का ने ओल्गा के कैरेक्टर को प्ले किया है। अतार सारालदिज़े ने डोमेनिको के कैरेक्टर को प्ले किया है। एवा कास प्राजिक ने
क्लारा बेल के कैरेक्टर को प्ले किया है द नेक्स्ट 365 डेज मूवी में। उसके आगे जॉनर की बात करें तो द नेक्स्ट 365 डेज मूवी एक एरोटिक ड्रामा मूवी है, काफ़ी पसंद आपको आएगी, काफ़ी अच्छा इस मूवी का स्टोरी है और एक्ट्रेस का कमाल का परफॉर्मेंस आप इस मूवी में देख पाओगे। और बारबरा बायलोबस एंड थॉमास मेंडेस ने काफ़ी बढ़िया डायरेक्ट भी किया है इस मूवी को, काफ़ी पसंद आपको आएगी। और आपको बता दें कि 365 डेज मूवी एक पूरी मूवी की सीरीज़ है, फ्रेंचाइजी है और यह मूवी भी आपको काफ़ी पसंद आएगा। IMDb रेटिंग की बात कर लेते हैं तो द नेक्स्ट 365 डेज मूवी को IMDb पर 2.8 आउट ऑफ 10 का रेटिंग मिला है। लगभग 8,700 लोगों ने वोट्स किया है इस मूवी के लिए। और इसके आगे बात करें इस मूवी के बजट की तो इस ये क्योंकि नेटफ्लिक्स की मूवी है तो इसका जो बजट है वो रिवील नहीं किया गया और ना ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। सो नेटफ्लिक्स पर ही यह मूवी रिलीज़ हुई, ऑफिशियली मूवी है नेटफ्लिक्स की, आप ज़रूर से देख सकते हो। आज का यह मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी के रिव्यूज़, मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें। तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2022 में रिलीज़ हुई मूवी द नेक्स्ट 365 डेज़ के बारे में। यह मूवी भले ही 2022 में रिलीज़ हुई हो लेकिन आज तक भी लोग इस मूवी के फ़ैन हैं और इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग द नेक्स्ट 365 डेज़ मूवी को देखना चाहते हैं। सो अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हो, इस मूवी के फ़ैन हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ और मूवी की अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस मूवी की पूरी ही टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने द नेक्स्ट 365 डेज़ मूवी को बनाया है, किन्होंने डायरेक्ट किया है इस मूवी को, किन्होंने लिखा है, कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया है उसके बारे में बात करेंगे और बात करेंगे इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में और इस मूवी के कैरेक्टर्स के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसके कैरेक्टर को प्ले किया है इस मूवी में। एंड फुल डिटेल में आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है इस मूवी के बारे में। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो। सो आगे हम बात करने सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में। तो द नेक्स्ट 365 डेज मूवी को डायरेक्ट किया है बारबरा बायलोबस ने एंड थॉमास मेंडेस ने। स्क्रीन प्ले की बात करें तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है मोत्सा तिर्स ने, ब्लंका लिपिंस्का ने, थॉमास मेंडेस ने। प्रोड्यूसर की बात करें तो द नेक्स्ट 365 डेज मूवी को प्रोड्यूस किया है एवा लेवांडोव्स्का ने, थॉमास मेंडेस ने, मैसियंज काबुल्स्की ने। और एक्ट्रेस की बात करें तो इस मूवी में आपको सबसे पहले लीडिंग रोल में अना मारिया सैकलुका देखने को मिल जाते हैं, उसके आगे माइकल मोरोन देखने को मिल जाते हैं, साइमोन सुसीना देखने को मिल जाते हैं, मैग्डलेना लंपार्स्का देखने को मिल जाते हैं, अतार सारालदिज़े भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो इस मूवी में सिनेमाटोग्राफी की है बारतेक कैरलिका ने और इस मूवी को एडिट किया है मार्सिन द्रेव नॉब्स्की ने और म्यूजिक किया है इस मूवी का पैट्रिक कुमार ने और डोमिनिक बुकबोस्की ने और बॉज ताजेक ने। प्रोडक्शन कंपनीज की बात करें तो द नेक्स्ट 365 डेज मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं ओपन माइंड वन और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है नेटफ्लिक्स ने। उसके आगे बात करें इस मूवी के अगर हम कंट्री की तो यह मूवी ओरिजिनल मूवी जे पोलैंड में बनाई गई और इस मूवी का ओरिजिनल लैंग्वेज है जो वो पॉलिश इंग्लिश और इटालियन है
और उसके आगे अगर हम बात करें इस मूवी के कि कौन से एक्टर ने किसके कैरेक्टर को प्ले किया है इस मूवी में, तो सबसे पहले लीडिंग रोल में अना मारिया सैक लुका देखने को मिल जाते हैं, जिन्होंने कि लॉरा बेल के कैरेक्टर को प्ले किया है इस मूवी में। उसके आगे माइकल मोरोन देखने को मिल जाते हैं, जिन्होंने कि डॉन मासिमो तोरेसेली के कैरेक्टर को प्ले किया है। साइमोन सुसीना ने नाचो के कैरेक्टर को प्ले किया है। मागदेलिना लंपार्स्का ने ओल्गा के कैरेक्टर को प्ले किया है। और तार सारल्दीजी ने डोमेनिको के कैरेक्टर को प्ले किया है। एवा कास प्राजिक ने क्लारा बेल के कैरेक्टर को प्ले किया है द नेक्स्ट 365 डेज मूवी में। उसके आगे जॉनर की बात करें तो द नेक्स्ट 365 डेज मूवी एक एरोटिक ड्रामा मूवी है, काफ़ी पसंद आपको आएगी, काफ़ी अच्छा इस मूवी का स्टोरी है और एक्ट्रेस का कमाल का परफॉर्मेंस आप इस मूवी में देख पाओगे। और बारबरा बायोलोबस एंड थॉमास मेंडेस ने काफ़ी बढ़िया डायरेक्ट भी किया है इस मूवी को, काफ़ी पसंद आपको आएगी। और आपको बता दें कि 365 डेज मूवी एक पूरी मूवी की सीरीज़ है, फ्रेंचाइजी है और यह मूवी भी आपको काफ़ी पसंद आएगा। आईएमडीबी रेटिंग की बात कर लेते हैं तो द नेक्स्ट 365 डेज मूवी को आईएमडीबी पर 2.8 out of 10 का रेटिंग मिला है। लगभग 8,700 लोगों ने वोट्स किया है इस मूवी के लिए। और इसके आगे बात करें इस मूवी के बजट की तो इस ये क्योंकि नेटफ्लिक्स की मूवी है तो इसका जो बजट है वो रिवील नहीं किया गया और ना ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। सो नेटफ्लिक्स पर ही यह मूवी रिलीज़ हुई, ऑफिशियली मूवी है नेटफ्लिक्स की, आप ज़रूर से देख सकते हो। आज का यह मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी के रिव्यूज़ मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें। तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2022 में रिलीज़ हुई मूवी द नेक्स्ट 365 डेज़ के बारे में। यह मूवी भले ही 2022 में रिलीज़ हुई हो लेकिन आज तक भी लोग इस मूवी के फ़ैन हैं और इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग द नेक्स्ट 365 डेज़ मूवी को देखना चाहते हैं। सो अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हो, इस मूवी के फ़ैन हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ और मूवी की अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस मूवी की पूरी ही टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने द नेक्स्ट 365 डेज़ मूवी को बनाया है, किन्होंने डायरेक्ट किया है इस मूवी को, किन्होंने लिखा है, कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया है उसके बारे में बात करेंगे और बात करेंगे इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में और इस मूवी के कैरेक्टर्स के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसके कैरेक्टर को प्ले किया है इस मूवी में। एंड फुल डिटेल में आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है इस मूवी के बारे में। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो। सो आगे हम बात करने सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में। तो द नेक्स्ट 365 डेज़ मूवी को डायरेक्ट किया है बारबरा बायोलोबस ने एंड थॉमास मेंडेस ने। स्क्रीन प्ले की बात करें तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है मोत्सा तिर्स ने, ब्लंका लिपिंस्का ने, थॉमास मेंडेस ने। प्रोड्यूसर की बात करें तो द नेक्स्ट 365 डेज़ मूवी को प्रोड्यूस किया है एवा लेवांडोव्स्का ने, थॉमास मेंडेस ने, मैसियंज काबुल्सकी ने। और एक्ट्रेस की बात करें तो इस मूवी में आपको सबसे पहले लीडिंग रोल में अना मारिया सैक लुका देखने को मिल जाते हैं, उसके आगे माइकल मोरोन देखने को मिल जाते हैं, साइमोन सुसीना देखने को मिल जाते हैं, मागदेलिना लंपार्स्का देखने को मिल जाते हैं और तार सारल्दीजे भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो इस मूवी में सिनेमाटोग्राफी की है बारतेक कैरलिका ने और इस मूवी को एडिट किया है मार्सिन द्रेव नॉब्सकी ने और म्यूजिक किया है इस
मूवी का पैट्रिक कुमार ने और डोमिनिक बुकबॉस्की ने और बॉज ताजेक ने। प्रोडक्शन कंपनीज की बात करें तो द नेक्स्ट 365 डेज मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं ओपन माइंड वन, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है नेटफ्लिक्स ने। उसके आगे बात करें इस मूवी के अगर हम कंट्री की, तो यह मूवी ओरिजिनल मूवी जे पोलैंड में बनाई गई, और इस मूवी का ओरिजिनल लैंग्वेज है जो वो पॉलिश इंग्लिश और इटालियन है। और उसके आगे अगर हम बात करें इस मूवी के कि कौन से एक्टर ने किसके करेक्टर को प्ले किया है इस मूवी में, सो सबसे पहले लीडिंग रोल में अना मारिया सैक लुका देखने को मिल जाते हैं, जिन्होंने कि लॉरा बेल के करेक्टर को प्ले किया है इस मूवी में। उसके आगे माइकल मोरोन देखने को मिल जाते हैं, जिन्होंने कि डॉन मासिमो तोरेसेली के करेक्टर को प्ले किया है। साइमन सुसीना ने नाचो के करेक्टर को प्ले किया है। मैग्डालेना लंपार्स्का ने ओल्गा के करेक्टर को प्ले किया है। और तार सारल्डीज़ी ने डोमेनिको के करेक्टर को प्ले किया है। एवा कास्प्रेजिक ने क्लारा बेल के करेक्टर को प्ले किया है द नेक्स्ट 365 डेज मूवी में। उसके आगे जॉनर की बात करें तो द नेक्स्ट 365 डेज मूवी एक एरोटिक ड्रामा मूवी है, काफ़ी पसंद आपको आएगी, काफ़ी अच्छा इस मूवी का स्टोरी है और एक्ट्रेस का कमाल का परफॉर्मेंस आप इस मूवी में देख पाओगे। और बारबरा बायोलोबस एंड थॉमस मेंडेस ने काफ़ी बढ़िया डायरेक्ट भी किया है इस मूवी को, काफ़ी पसंद आपको आएगी। और आपको बता दें कि 365 डेज मूवी एक पूरी मूवी की सीरीज़ है, फ्रेंचाइजी है, और यह मूवी भी आपको काफ़ी पसंद आएगा। आईएमडीबी रेटिंग की बात कर लेते हैं तो द नेक्स्ट 365 डेज मूवी को आईएमडीबी पर 2.8 आउट ऑफ 10 का रेटिंग मिला है। लगभग 8,700 लोगों ने वोट्स किया है इस मूवी के लिए। और इसके आगे बात करें इस मूवी के बजट की, तो इस ये क्योंकि नेटफ्लिक्स की मूवी है तो इसका जो बजट है वो रिवील नहीं किया गया और ना ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। सो नेटफ्लिक्स पर ही यह मूवी रिलीज़ हुई, ऑफिशियली मूवी है नेटफ्लिक्स की, आप ज़रूर से देख सकते हो। आज का यह मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, ताकि आने वाले सभी मूवी के रिव्यूज़ मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें। तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2022 में रिलीज़ हुई मूवी द नेक्स्ट 365 डेज के बारे में। यह मूवी भले ही 2022 में रिलीज़ हुई हो, लेकिन आज तक भी लोग इस मूवी के फ़ैन हैं और इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग द नेक्स्ट 365 डेज मूवी को देखना चाहते हैं। सो अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हो, इस मूवी के फ़ैन हो, तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ और मूवी की अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस मूवी की पूरी ही टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने द नेक्स्ट 365 डेज मूवी को बनाया है, किन्होंने डायरेक्ट किया है इस मूवी को, किन्होंने लिखा है, कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया है उसके बारे में बात करेंगे, और बात करेंगे इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में और इस मूवी के करैक्टर्स के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसके करैक्टर को प्ले किया है इस मूवी में, एंड फुल डिटेल में आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है इस मूवी के बारे में। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो। सो आगे हम बात करने सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में। तो द नेक्स्ट 365 डेज मूवी को डायरेक्ट किया है बारबरा बायोलोबस ने एंड थॉमस मेंडेस ने। स्क्रीन प्ले की बात करें तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है मोत्सा तिर्स ने, ब्लंका लिपिंस्का ने, थॉमस मेंडेस ने। प्रोड्यूसर की बात करें तो द नेक्स्ट 365 डेज मूवी को प्रोड्यूस किया है एवा लेवांडोव्स्का ने, थॉमस मेंडेस ने, मैसियंज
काबुल्सकी ने। और एक्ट्रेस की बात करें तो इस मूवी में आपको सबसे पहले लीडिंग रोल में अना मारिया सैकलुका देखने को मिल जाते हैं, उसके आगे माइकल मोरोन देखने को मिल जाते हैं, साइमोन सुसीना देखने को मिल जाते हैं, मागदेलिना लंपार्स्का देखने को मिल जाते हैं, अतार सारा दिज़े भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो इस मूवी में सिनेमाटोग्राफी की है बारतेक कैरलिका ने, और इस मूवी को एडिट किया है मार्सिन द्रेव नॉब्सकी ने, और म्यूजिक किया है इस मूवी का पैट्रिक कुमार ने और डोमिनिक बुकबॉस्की ने और बॉज ताजेक ने। प्रोडक्शन कंपनीज की बात करें तो द नेक्स्ट 365 डेज मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं ओपन माइंड वन, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है नेटफ्लिक्स ने। उसके आगे बात करें इस मूवी के अगर हम कंट्री की, तो यह मूवी ओरिजिनल मूवी जे पोलैंड में बनाई गई, और इस मूवी का ओरिजिनल लैंग्वेज है जो वो पॉलिश इंग्लिश और इटालियन है। और उसके आगे अगर हम बात करें इस मूवी के कि कौन से एक्टर ने किसके करैक्टर को प्ले किया है इस मूवी में, सो सबसे पहले लीडिंग रोल में अना मारिया सैकलुका देखने को मिल जाते हैं, जिन्होंने कि लॉरा बेल के करैक्टर को प्ले किया है इस मूवी में। उसके आगे माइकल मोरोन देखने को मिल जाते हैं, जिन्होंने कि डॉन मासिमो तोरेसेली के करैक्टर को प्ले किया है। साइमोन सुसीना ने नाचो के करैक्टर को प्ले किया है। मागदेलिना लंपार्स्का ने ओल्गा के करैक्टर को प्ले किया है। अवतार सारल्दीजी ने डोमेनिको के करैक्टर को प्ले किया है। एवा कास प्राजिक ने क्लारा बेल के करैक्टर को प्ले किया है द नेक्स्ट 365 डेज मूवी में। उसके आगे जॉनर की बात करें तो द नेक्स्ट 365 डेज मूवी एक एरोटिक ड्रामा मूवी है, काफ़ी पसंद आपको आएगी, काफ़ी अच्छा इस मूवी का स्टोरी है, और एक्ट्रेस का कमाल का परफॉर्मेंस आप इस मूवी में देख पाओगे। और बारबरा बायोलॉबस एंड थॉमस मेंडेस ने काफ़ी बढ़िया डायरेक्ट भी किया है इस मूवी को, काफ़ी पसंद आपको आएगी। और आपको बता दें कि 365 डेज मूवी एक पूरी मूवी की सीरीज़ है, फ्रेंचाइजी है, और यह मूवी भी आपको काफ़ी पसंद आएगा। आईएमडीबी रेटिंग की बात कर लेते हैं तो द नेक्स्ट 365 डेज मूवी को आईएमडीबी पर 2.8 आउट ऑफ 10 का रेटिंग मिला है। लगभग 8,700 लोगों ने वोट्स किया है इस मूवी के लिए। और इसके आगे बात करें इस मूवी के बजट की, तो इस ये क्योंकि नेटफ्लिक्स की मूवी है तो इसका जो बजट है वो रिवील नहीं किया गया, और ना ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। सो नेटफ्लिक्स पर ही यह मूवी रिलीज़ हुई, ऑफिशियली मूवी है नेटफ्लिक्स की, आप ज़रूर से देख सकते हो। आज का यह मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, ताकि आने वाले सभी मूवी के रिव्यूज़, मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें।